दोस्तों दोस्तों आज बात करिएगा यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा के बारे में, क्योंकि जानते हैं यूपी की जितनी वैकेंसी हैं, बस आपकी सिपाही दरोगा और शिक्षक भर्ती छोड़ के जितनी भी वैकेंसी आएंगी या आने वाली हैं, सारी भर्ती पेट से कराई जाएगी, ये आप जानते हैं। तो पेट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। एग्जाम कब होगा, कंपटीशन कितना है, परीक्षा टलेगी या नहीं टलेगी, सेंटर लिस्ट क्या होगा, ठीक है, सारा चीज़ आपको डिटेल्स बताया जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। चैनल भी नया वीडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि परीक्षा के को दृष्टि से देखते हुए आपके पास ज़्यादा समय नहीं रह गया। एक व्हाट्सअप का मैं लिंक डाल दे रहा हूँ आपका डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में, जाके आप वहाँ पर जुड़ जाइएगा। आपको सारे मटेरियल वहाँ पर मिल जाएंगे, मुफ्त में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, और आपका ग्रुप डिस्कशन भी वहाँ पर हो सकेगा। स्पेशल पेट वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। चलते हैं दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परीक्षा तिथि के बारे में बच्चों को बता दें, क्योंकि जो मेरा ग्रुप है उसमें बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि सर एग्जाम कब होगा, टलेगा क्या। तो देखिए, एग्जाम आपका सबसे पहले जो आयोग ने अपने वार्षिक कैलेंडर में बताया था 19 सितंबर को बताया था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि जो आवेदन था इनके उम्मीद से ज़्यादा आ गए। आवेदन कितना दोस्तों आए हैं, जो अभी तक पता रजिस्ट्रेशन बेस पता चला है, अभी 38 लाख आवेदन आए हैं। ये आवेदन 38 नहीं, 40 लाख, मतलब 40 लाख बच्चों ने आवेदन किया है जो रजिस्ट्रेशन फुल्ली सबमिट किए हैं। मतलब इनको परीक्षा जो लेनी है 40 लाख बच्चों की लेनी है। ये पिछले साल 17 लाख का लिए थे, तो एग्जाम इन्होंने आसानी से कराया, इस बार डबल हैं, डबल से भी ज़्यादा है, समझ लीजिए 2.5 गुना बच्चे इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो थोड़ा इनको जो भी इनका सेंटर था, जो भी इनकी व्यवस्था थी, पूरी तरह चरमरा गई थी। तो देखिए, इनका जो एग्ज़ाम, इन्होंने फिर एक नया डेट फिक्स किया है कि जो इनका एक दिन में एग्ज़ाम होने वाला था 19 सितंबर को, उसको आगे ले जाके 15 और 16 अक्टूबर को दो दो पालियों में आयोजित करेगा अधीनस्थ, मतलब 4 पालियों में एग्जाम होगा 15 और 16 अक्टूबर को। ये ऑफिशियल है, ठीक है। अभी देखिए, इस पर नोटिस डाला गया था, ये ऑफिशियल वेबसाइट यही है, ठीक है, इन्होंने नोटिस यहाँ से हटा लिया, ठीक है। तो 15-16 अक्टूबर को आपकी लिखित OMR परीक्षा कराई जाएगी। आप ये भी ध्यान दीजिएगा, OMR से पेपर होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर नहीं होगा। जो जो नए नए अभ्यर्थी थोड़ा उनको कन्फ्यूजन होगा क्या होता है, तो OMR बेस्ड पे होगा, ठीक है। 15-16 तारीख को यूपी के 75 जिला में, एक सी ध्यान दीजिएगा, 75 जिला में सेंटर आपका बनाया गया, ऐसा नहीं कोई सेंटर नहीं, 75 जिला में सेंटर बनाया गया, मैक्सिमम कॉलेज बनाए गए हैं। मैं बता रहा हूँ, मेरे गांव के भी कॉलेज इधर बने हैं, 3 गांव के मेरे कॉलेज अलाट किए गए हैं, समझ सकते हैं, जो मेरे क्षेत्र में लोकल आते हैं, हाँ वो सरकारी कॉलेज हैं, तो इनको अलाट किया गया। आप समझिए कि पेट का सेंटर वहाँ भी बनाया गया है। स्थिति इतनी ख़राब हो गई है, तो नकल की संभावना भी प्रबल बन रही है यहाँ पे। अब जो भी होगा आगे की बात है। तो एक बात है, इसमें 2 दिन एग्जाम करा जाएगा, नॉर्मलाइजेशन आपका किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन हो सकता है 5 से 6 नंबर का नॉर्मलाइजेशन 100% होगा। तो यही है कि 40 लाख बच्चे एग्जाम में बैठने वाले हैं, 2 दिन एग्जाम आपका 15-16 अक्टूबर को चलेगा, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके आप जुड़ जाइएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि परीक्षा की तैयारी तो होती रहेगी, लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा टलेगी क्या, ठीक है, परीक्षा तो नहीं टलेगी जहाँ तक पता चला है। अब टलेगी तो उसके बारे में जानकारी अलग है, लेकिन टलने वाली कोई सूचना अधीनस्थ सेवा से नहीं मिले, क्योंकि वहाँ पर तैयारी हो चुकी है। जिस सेंटर हमारे क्षेत्र में बुक हो चुका है, तो मतलब तैयारी की चल रही है, तो तैयारी हो चुकी है, अपने तैयारी में फोकस कीजिए अभी, क्योंकि आपके पास 30 दिन का समय और 32 दिन का, जितना पढ़ना पढ़ लीजिए। क्योंकि देखिए, यूपी की जितनी वैकेंसी आप देखना चाहते हैं, लेखपाल हो गया, BDO हो गया, NM हो गया, आबकारी सिपाही हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, क्लर्कियल वैकेंसी हो गई, स्टोनो हो गया, जितनी वैकेंसी मैं बता रहा हूँ, लोअर की सबसे बड़ी बात, लोअर की 1100 से 1200 अधिकारियों की भर्ती आने वाली है। ये सारी वैकेंसी आप पेट से ही दे पाएंगे, पेट यदि पास नहीं किए तो बाहर का रास्ता, ठीक है। तो पेट में कम से कम अपना स्कोर 75+ का लेके चलिएगा। यदि 75+ आपका स्कोर आ रहा है, तो मैं श्योर हूँ कि सारी भर्तियाँ जो जितने मैंने जुबान से बोला, सब का सब आप अपीयर करेंगे, सब में बैठेंगे, ठीक है। तो यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पेट पास करना बहुत जरूरी, पेट नहीं तो बाहर, पेट नहीं तो एक वैकेंसी आप नहीं देखेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। एग्जाम कोई नहीं टलने वाला। एडमिट कार्ड आपका बता दूं कब आएगा, एडमिट कार्ड आपका 7 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक आ जाएगा, ठीक है। एक सप्ताह पहले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मैक्सिमम बोला है कि एडमिट कार्ड अपलोड कर देगा, तो 7 अक्टूबर तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। सेंटर की लिस्ट मैं आपको इसी महीने में सेंटर लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा, जो मैंने सेंटर लिस्ट लास्ट वीडियो में प्रोवाइड कराया था, वही सेंटर लिस्ट है। कुछ बोल रहे थे कि ये फेक है, पिछले साल का है, देखिए सेंटर वही बनाया गया, सेंटर चेंज नहीं हुआ, बस वहाँ की एक्यूरेसी बढ़ा दी गई है। कहीं पे जहाँ पे 50 बच्चे थे वहाँ पे 100 कर दिया गया, सेंटर वही है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान जाके सेंटर बनेगा, 75 जिला में सेंटर बनेगा, यूपीए में सेंटर बनेगा ना, कि बाहर थोड़े बनेगा। तो सेंटर आप चाहिए तो आपको व्हाट्सएप के मैं ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में ग्रुप में डाल दूंगा, आप जाके वहाँ से ले लीजिएगा। तैयारी के लिए देखिए कुछ नहीं पढ़ना है, बस बेसिक चीज़ पढ़ना है। मैंने आपका व्हाट्सएप ग्रुप में अपने डाल दूंगा, जो जो मैटर रहेगा आप वही से पढ़, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं कि बहुत एडवांस पढ़ लीजिएगा, जो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पे देखिए गाने बहुत मिलेंगे, पूछा उसमें पूछा जाएगा महात्मा गांधी के बारे में, और बता देंगे कहाँ से कहाँ तक उनके बारे में, कि आप कन्फ्यूज हैं कि ओरिजिनल चीज़ पढ़ना क्या है।
तो जो चीज़ आधारभूत चीज़ है वही पढ़िए, फालतू चीज़ पर फोकस ना कीजिए, क्योंकि ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं आता है। पेट में एग्जाम में लेंदी क्वेश्चन है, प्रारंभिक परीक्षा अर्थात परीक्षा क्वालिफाई करना है बस, तो नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, नॉर्मल पढ़ के जाइए, अच्छी तैयारी कीजिए। यदि आपको दिक्कत हो कहाँ से क्या पढ़ना है तो एक कमेंट कीजिएगा, मैं आगामी वीडियो में आपको पॉइंट टू पॉइंट बता दूंगा। क्योंकि देखिए 2021 का पेट मैंने पास किया है, लेखपाल लेखपाल दो तीन एग्जाम मैंने दिया पेट से, तो मुझे गाइड है, मुझे पता है कि मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि कहाँ से क्या पढ़ना है। ठीक है, तो बस यही न्यूज़ थी, और भी कोई अपडेट है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज बात करने वाले हैं यूपी 3SSC के बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन द्वारा मार्केट में लाया गया है। इस बुक की दोस्तों खासियत है कि यह बुक आपको एक्सपर्टों द्वारा बनाया गया है, और अन्य बुकों की तुलना में ये सबसे बेस्ट क्यों है, क्योंकि इसमें आपको एरर देखने को नहीं मिलेगा। 2021 पेट में इसमें 82 से लेकर 84 क्वेश्चन आपको इस बुक से देखने को मिलेंगे, मिले थे दोस्तों। इसमें आपको 1950 से ज़्यादा आपको बहुविकल्पी प्रश्न मिल जाएंगे, 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे जो आपको मुफ्त मिलेंगे, और 2 साल पेपर आपको प्रीवियस ईयर का देखने को मिल जाएगा। यह बुक बाजार में 100% प्रमाणित है। ये सारा मैटर आपको दोस्तों इस बुक में देखने को मिलेगा। इसके बाद नीचे आप जब जाएंगे, इसमें पेट का आपको सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट समझाया गया है, देख सकते हैं आपको यहाँ पे पाँच नंबर सेंटी का कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे वो भी बताया गया है। ये आपको सारा प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिल जाएगा। इस बुक की सबसे बड़ी खासियत देख सकते हैं इसका प्रिंटिंग का तरीका, और एरर सबसे कम आपको देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, सारा चीज़ आपको बढ़िया तरीके से बताया गया प्रीवियस ईयर बेस्ड देख को। इस बुक की सबसे बड़ी खासियत दोस्तों ये है कि इसका आपको प्रैक्टिस सेट भी आता है मार्केट में, और गाइड भी आता है। ठीक है, तो ये आप जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि कॉम्बो पैक में आप जब ये लेंगे तो आपकी तैयारी जो सबसे बेस्ट हो सकती है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप जाके ले लीजिएगा। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह प्रोवाइड करा दिया गया है। धन्यवाद।